दें तो अच्छा है। चलें लगा दिए, ठीक है जी। ये देखें ट्रांसपेरेंसी टूल, ये मेरे ख्याल में मेरा भी माइक ऑफ हो गया। जी बाकियों के आप ऑफ कर दें, मेरा ऑन रहने दें। ये देखें जिसको ट्रांसपेरेंसी टूल का मसला था ना, ये देखें मैं उसके उसकी ये तस्वीर, ये देखें ये तस्वीर यहाँ से हमने ले आए, ये यहाँ रख दी, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी टूल है, इस पे हमने क्लिक किया और ये इसकी नन वाली ऑप्शन ऑन हो गई। ये इसका यूनिफॉर्म हमने कोरल 9 वालों ने यहाँ से ऑन कर लेना है और ये इस तरह लाइट हो जाएगी। जब ये इस तरह लाइट होगी तो ये ऊपर जहाँ 50% है वहाँ आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डायरेक्ट करना है तो इसको 10 की तरफ ले जाएं, अगर लाइट करना है तो इसको 100 की तरफ ले जाएं, ताकि आपको ये वाला मसला ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वो ना मुझे तस्वीर लगाने के समझा दे कि तस्वीर बैकग्राउंड पे कैसे लगाते हैं। ये वही बताया था और दूसरा ये मैंने देखा है, और दूसरा ये कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो ये तस्वीर पे आके आगे पीछे वीडियो और आवाज में मुवासलत नहीं होती, और दूसरा ये है कि जो आपने बैकग्राउंड लगाया वो कैसे लगाया उसका जरा समझा दे। ये बैकग्राउंड जो लगा हुआ है अभी, नहीं नहीं वो जो आपने अलग से वो बनाया ना टूल, एक समझाया। देखे अभी आप ये देखें, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास ये ऑप्शन है ऑन है ना, ये देखें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन आएगी यहाँ, ये काफी सारे पैटर्न बने हुए हैं, ये आप पैटर्न फिर ये ले ले, ये देखें ये ले लिया। ये लेने के बाद हाँ जी यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ये 2.0 लिखा हुआ है ना, ये देखें इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, ये दायरा बहुत बड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। अब इसी ये को वाइट हाइट आ गया जी, ये दायरा बहुत बड़ा बड़ा बन गया। अब इसी को ही हमने छोटा करना है, तो ये जहाँ 2.0 लिखा हुआ है ना वहाँ हम इशारिया में बात करेंगे, वहाँ हम इशारिया में बात करेंगे, ठीक है। 0.2 नीचे टैब के साथ, फिर 0.2 ओके कर दे, ये देखे दायरे छोटे हो गए, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्जी के दोबारा कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें ठीक ठीक ठीक। इसी तरह और भी मजीद कलर कोई भी आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहां से मजीद बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो ये देखें, ये सारी बैकग्राउंड्स यहां मौजूद हैं, आप यहां से ये लगा सकते हैं जी, ठीक है। ये देखें 3D टाइप बनी हुई है जी, ये समझ हाँ, में आ गया बिल्कुल, आपको बिल्कुल, जी समझ में आ गया हाँ, बिल्कुल समझ, और कोई बिल्कुल बिल्कुल। आज के सबक के रिलेटेड कोई ऐसी बात समझ में ना आई? यही ये बैकग्राउंड में तस्वीर कैसे लगाते हैं? ये देखें ये हमारे पास बॉक्स आ गया, ये देखें ये बॉक्स आ गया, उसमें हमने ये तस्वीर लगानी है, ये देखें ये तस्वीर आ गई। अब इसको अपनी मर्जी से आप छोटा कर लें, ये देखें। अब चूंकि आपने एक जो भी चीज आपने बनानी होगी ना, जाहिर बात है उसके लिए आपने बॉक्स लगाया होगा, उस बॉक्स में लगाने के बाद आप इसको बैकग्राउंड को लाइट करना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर लाइट नहीं करना चाहते तो ऐसे ही लगाना चाहते हैं, इफेक्ट में जाके पावर क्लिप कर दें इसको, ये देखें ये बैकग्राउंड बन गया, आपकी तस्वीर लग गई, ठीक है जी। माइक ऑन है, लिखे ना मुझे वैसे बता दें जिसका जो मसला है, जैसे भैया ने अभी बताया है बाकी भी मुझे बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बात करें सर, ये आउटलाइन जो है वो कम ज्यादा करने का तरीका आपने क्या बताया? वो F12 आपने जस्ट F12 प्रेस करना है, ये देखें ये मैंने ए लिखा, अब इसी की मैंने आउटलाइन लगानी है, इसी की आउटलाइन लगाने के लिए ये देखें, अब मैं चाहता हूँ ये वाइट हो और इसकी आउटलाइन रेड हो, ये देखें ये वाइट पे मैंने लेफ्ट क्लिक करना है और आउटलाइन पे मैंने राइट क्लिक करना है, ये इसकी रेड आउटलाइन आ गई। अब इसको मोटा करने के लिए सिर्फ F12 प्रेस करेंगे, ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन होने के बाद ये जहाँ 0.216 लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट्स होते हैं, इसको आप अपनी मर्जी से मोटा कर दें, आप इसको कह दें कि मैंने 3 पॉइंट मोटी आउटलाइन लगानी है। उसके बाद अगर आप इसको ऐसे ही ओके कर देंगे तो ये देखें ये
बेढंगी सी आउटलाइन लगेगी। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट चारों तरफ से एग्जैक्ट आउटलाइन लगे, ये कैसे लगेगी? आपने इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को ओके कर देना है। ये देखें, अब खूबसूरत आउटलाइन लगी। अब ये देखें, ए असल में कॉर्नर था, यहाँ ए राउंड हो गया। अब उसके राउंड होने की वजह क्या है? आप ये आउटलाइन खोलें, ये देखें, वो कह रहा है कि आपने इसके कॉर्नर कैसे करने हैं। हमने कहा राउंड कर दो, वो कहता है कॉर्नर, अगर कॉर्नर ही रखने हैं तो इसको क्लिक कर दो, इसको क्लिक कर दो। ये देखो, अब ये कॉर्नर भी उसके जैसे ही बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? जिनका सवाल था उनको समझ में आ गया? दूसरा सर जी, कुछ लिखते ना तो उसको स्लिप करें तो वो इनवैलिड। जी सर, एक सवाल ये सर जी, वो सुबह एक मिनट, ये किरण काशिप सर, पावर क्लिप तो पूरी पिक्चर फिट होती है, आपकी कट जाती है। आपके पास कोरल कौन सा है? ये किरण काशिप, कोरल कौन सा है मैं फिर बताता हूँ, कोरल कौन सा है? ये देखें, वो इसी, उसका प्रॉब्लम यही है। ये देखें, ये बॉक्स लग गया। अब आप कहते हैं कि पिक्चर सारी खत्म हो जाती है, सारी उसके अंदर आ जाती है। ये देखें, कोशिश करता हूँ सिखा लूँ। जी ये देखें, ये पिक्चर है, मेरी पिक्चर यहाँ से आप कहते हैं कट गई। ये देखें, आपकी पिक्चर कटी नहीं, बल्कि वो यहाँ तक कैसे आ गई, जहाँ भी दरमियान में थी वो वैसे हो गई। यही है, आपने क्या करना होगा, कंट्रोल जे खोलना होगा। कंट्रोल जे करने के बाद ये मेरी विंडो चेक करें, पावर क्लिप फ्रेम, इस पे आप देखें, इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम, इसको आपने चेक कर देना है। इसी तरह व्हेन कॉन्टेक्ट इज कंपेंट्री आउटलाइन साइड आउटसाइड फ्रेम, इसको भी आपने चेक कर देना है। इसी तरह ऑलवेज को भी आपने चेक कर देना है। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, फिर आपकी जो पावर क्लिप वाली प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। ठीक है जी, अगर किसी और का सवाल है तो वो बताएं। सर जी, आज आपको किया था आपसे, किरण काशिप आपको समझ में आ गया? डिब्बे के अंदर एक सवाल, एक मिनट हफ्सा, एक मिनट वो बता दे, उम्मे हफ्सा आप बताएं। फ्लिप करो तो इनवैलिड कहते हैं, मसलन समझ में नहीं आई किस चीज को फ्लिप करो तो अच्छा, आप इसको जब सिलेक्ट नहीं ना करेंगी फिर वो इनवैलिड ही कहेगा। आप इसको सिलेक्ट करके काम करेंगे फिर वो इनवैलिड नहीं कहेगा। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करके काम करना है, जो भी करना है। जी और जी भैया, आप कुछ बोल रहे हैं? पूछना ये था कि तमाम तस्वीर जो है वो ट्रांसपेरेंस हो जाती है। जितना कुछ किया सब ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जब तक आपने पावर क्लिप नहीं किया होगा। पावर क्लिप करने के बाद सारी ऑप्शन बंद हो जाएंगी। ये देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ए लिखा हुआ है ना, इसमें कलर किया हुआ है। अब इस एक एक को भी ट्रांसपेरेंट मैं कर सकता हूँ। ये देखें, ये यूनिफॉर्म किया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देखें, अब ये ट्रांसपेरेंट हुआ, पीछे वाला इसके अंदर से नजर आ रहा है। ये देखें, समझ में आ गई बात? सब कुछ जी आ गई, आ गई, आ गई। आप पावर क्लिप नहीं करेंगे। और का कोई सवाल है तो वो बताएं। सर जी, और दायरे में लान लगाने का मसला था, आपसे रابطہ किया था, लगाते हैं डबल बट्टी की जो, ये देखें, ये दायरा लग गया, ये पेजर टूल से मैंने ये लाइन ले ली। ये देखें, लाइन आपने कंट्रोल करके करनी है। अब आपका आपके साथ क्या होता है, ये करके आप कहते हैं मैं जहां भी जाता हूं ये लाइन आ जाती है साथ साथ, यही होता है ना? ये देखें जी सर, यही होता है। अब आपके साथ ये क्यों होता है, ये देखें, ये लाइन ली, इस लाइन को लेने के बाद, इस लाइन को लेने के बाद ये देखें, आपने यहाँ क्लिक कर देना है बस। उसके बाद आपने कंट्रोल स्पेस दबा देना है, कंट्रोल स्पेस दबा देना है। ठीक है सर जी, ये लाइन को सिलेक्ट कंट्रोल स्पेस से होगा सर जी। ये देखें ना, ये लाइन है ना, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ,
ये देखें ये लाइन कंट्रोल के साथ दबा के यहाँ आपने एक दफा क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, उसके बाद आपने इसकी जो वो है वो खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कंट्रोल स्पेस दबा देना है, आपकी लाइन का जो वो सर्कल है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस लाइन को कैसे करना है, पकड़े इस बॉक्स को पकड़े सी और ई कर दें, ये देखें ये लाइन यहाँ है, मैंने इस लाइन को क्लिक किया, उसके बाद मैंने इस बॉक्स को शिफ्ट के साथ क्लिक किया, उसके बाद मैंने सी और ई कर दिया, ये देखें सर सी सी और ई एक दफा दबाने इकट्ठे, नहीं नहीं सी पहले दबाना है ई बाद में दबाना है, पहले सी दबा दिया, ये मैंने इसको पकड़ा सी दबाया, ये ऊपर से इधर को बराबर हो गई, अब दबाऊंगा तो ये यहाँ से इसके सेंटर में आ जाएगी, ये देखिए मिसाल अब आपको सही समझ में आएगी, ये देखें ये यहाँ पड़ा है ना, अब मैंने इसके दायरे के सेंटर में इसको लेके आना है, ये देखें यहाँ मैंने इसको सी दबाया, ये वहां से भागी यहाँ आ गई, ये देखें यहाँ है, इसको मैंने यहाँ किया सी दबाया ये यहाँ आ गई, अब मैंने इसी दायरे के सेंटर में इसको करना है, अब मैं ई दबा दूं, ये बस सेंटर में आ गई जी, समझ में आ गई जी सर, जी सर जी, ये पता है मैं आप इसलिए इतना किस लिए खप रहा हूँ, ताकि मैं दिन में कम खप सकूं, समझ में आई है ना मेरी बात जी, अब बताएं जी सर जी, और का कोई मसला है तो वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मैंने पूछना था कि जो डिब्बे के अंदर डबल पट्टी लगती है उसकी जो आउटलाइन है, जो डिब्बे में छोटी पट्टी लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, ये डिब्बे के अंदर जो पट्टी लगा दी है ना इसके अंदर छोटी पट्टी लगती है जैसे, ये डिब्बा बन गया, हाँ ये पट्टी लग गई, यही है जी, इसमें ये कलर आ गया ठीक है, इसको मैंने वो जी सर एंगल बनाया था वो बना देता हूँ, चले ये एंगल भी बन गया, अब अगला सवाल इससे आगे बताए, छोटी पट्टी जो छोटी सी नजर आती है ये वाली, जी सर ये वाली जी सर, ये देखें ये बड़ी पट्टी, ये पट्टी लग गई, इस पट्टी को हमने फिर अगर आपको हाथ सही जल्दी नहीं चलाना आता तो कीबोर्ड से प्लस का बटन आप दबाएं, प्लस का बटन दबाने के बाद इसको ये दो हो जाएंगे, इसको पकड़ के ऊपर ले जाएं, इसमें कोई भी कलर फिल कर दें, उसके बाद इसको पे शिफ्ट पेज डाउन कर दें, ये छोटी पट्टी हो जाएगी, अगर आप और छोटा करना चाहते हैं इसको पकड़ के इसी पट्टी को पकड़ के आप अपनी मर्जी से यहाँ रख सकते हैं, जी समझ में आ गई सर, पेज डाउन कहाँ से होगा, पेज डाउन ये कीबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है पेज डाउन ना, कीबोर्ड के ऊपर ये की बनी हुई है शिफ्ट पेज डाउन की, जी समझ में आ गई ये बात, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले जी, और है सवाल किसी का, किसी का सवाल है या बस इजाजत नहीं, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी, हेलो जी जी वालेकुम सलाम, अच्छा सर जी मैंने ये पूछना है कि अगर हम पूरा जुमला लिख रहे जैसे मदरसा जामिया तालीमुल कुरान जी भाई, अगर उसको हम दो कलर देते हैं तो उसका जरा बता दें, जिस तरह वो एक को आपने दिया था ना उसको लाइन लगा कर उसको ये देखे दो, देखे दो कलर हो गए थे, असल में हर चीज हर जगह पे नहीं सेट होती जी जी, जी ये देखे अब इसको मैं कोरल में ले आया, अब आपने सबसे पहले ये लाने के बाद क्या करना है कंट्रोल के कर देना है ताकि ये कर्व हो जाए, उसके बाद इसको अनग्रुप कर लेना है, ये अनग्रुप कर लिया, अब अनग्रुप करने के बाद इसको आप अपनी मर्जी से करीब करीब लफ्जों को ले जाएं ताकि खूबसूरत लगे, ये देखें अब इससे अगला सवाल क्या है आपका ये मुझे बताएं, हाँ सर जिस तरह वो आपने बताया था ना वो लफ्ज ए आपने लिखा था उसको दरमियान से लाइन लगाकर, अब इसको, इसको पहली बात तो ये कि इसको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुरा लगेगा जी, सीधी सी बात जी, ये लगेगा बुरा, अगर आप मजीद है काटने पे तो इसको पहले वेल्ड कर लें, ये देखें ये वेल्ड हो गया, उसके बाद आप इसी लाइन को लें दोबारा, ये देखें अब इसको सेंटर में कर लें, इसको पहले क्लिक करें फिर इसको करें, उसके बाद इसको ट्रिम करवा के ब्रेक अपड़ कर दें, जैसे ब्रेक अपड़ करेंगे ये लफ्ज भर जाएगा, ये देखें
ठीक है, अब ये लफ्ज अलग अलग हो गए, ये देखो ठीक है। अब आप अपनी मर्जी के कलर फिल कर सकते हैं, जो उनसे चाहे भरें, लेकिन ऐसा करते नहीं होते, ये बुरा लगता होता है। बहरहाल आप तो अगर ये सर जी अगर ये कोई इंग्लिश का अंग्रेजी का कोई जुमला हो जैसे हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं तो उसको फिर भी उसके भी तरीका है? नहीं, नहीं उसका तरीकाकार भी ये नहीं है, ये सिर्फ बताया इसलिए गया है कि बॉक्स जो होते हैं ना उनको डबल कलर करने के लिए ये जरूरत महसूस होती है। लफ्जों को डबल करने के लिए तो बुरा लगता है ना, नहीं करना चाहिए। उसका फिर बेहतरीन तरीका पता क्या है, ये देखे उसके लिए आप F11 प्रेस करें, सिर्फ F11। उसके बाद आप यहाँ कस्टम कलर में आ जाएं, यहाँ आप अपनी मर्जी के 2-3 कलर भर लें अगर आपको रंग बिरंगा चाहिए तो। ये देखें जी जी आपने कर लिया, यहाँ से इसका एंगल गोल करें और इसको ओके कर दें। ये देखें 2-3 कलर आ जाएंगे, F11 प्रेस करें, कलर बार खुल जाएगी, यहाँ से आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी कलर भरते जाए, कोई आपको रोकेगा ही नहीं। ये देखिए, उसके बाद यहाँ से एंगल को थोड़ा सा तिरछा कर दे, ओके कर दे, ये 2-3 कलर ऑटोमेटिकली भर गए। बस यही आपने बनाना होगा, ये बना ले ठीक है। ठीक होगा सर जी, बहुत शुक्रिया सर जी। किसी और का कोई सवाल या इजाजत? सर जी वो दायरे में जब लाइन लगाते हैं तो कंट्रोल स्पेस पे जाते हैं तो वो लाइन खत्म हो जाती है, वो लाइन सीधी होने के बजाय सेलेक्ट होने के बजाय खत्म हो जाती है। नहीं करते हैं आप, ये देखे ना मेरी नहीं खत्म हो रही, वही लाइन है वही सब कुछ है, ये देखे मेरी नहीं खत्म हो रही। आप क्लिक तो करें एक दफा उसको, ये देखे ये लाइन लगी, यहाँ क्लिक कर दे बस, छोड़ दे इसको, ये देखे लग गई लाइन। और किसी का कुछ सवाल? माइक सबके ओपन है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। सर बता दें क्या क्या करके लाना है आज, यानी कि किस किस चीज पे मशक्कत? मैं सुबह ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आपने क्या क्या करके लाना है। चलिए ठीक ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह शुक्रिया सर जी, शुक्रिया।